हेलो, इस वीडियो में हम व्यू टैब की, ये व्यू टैब है हमारा, जूम ग्रुप के बारे में जानेंगे कि जूम ग्रुप में क्या होता है। तो जूम ग्रुप में सबसे पहले हमारा ये जूम है, हम अपने ये जितना हमारा ये डॉक्यूमेंट है इसको यहाँ से जूम कर सकते हैं, इसका साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अगर हमें हम यहाँ से भी इसको जूम कर सकते हैं और नीचे ये हमारी स्टेटस बार है, ये यहाँ से भी हम इसको जूम कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे जाएंगे, जूम ग्रुप में जाएंगे और फर्स्ट ये जूम कमांड यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये जूम डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये जूम दिया गया है, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट का जूम 200% बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसको 200 यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके ऊपर, और क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ये देखो हमारा डॉक्यूमेंट 200% यहाँ पे बढ़ गया। इसके बाद अगर इसको और कम करना है, जैसे 75% यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, इसके बाद ओके भी क्लिक किया। ये जो इसका जूम है ये 75% यहाँ पे कम हो गया ये। तो इसके बाद जूम और अगर हमने बढ़ाना है, ये 75% है, तो हम जो मैक्सिमम जूम है यहाँ पे 500 कर सकते हैं। 500 के बाद हम जूम नहीं बढ़ा सकते। ये देखो, अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा ये 500 500, तो 500 लिखने के बाद ओके पे क्लिक किया, ये जो जूम है 500% बढ़ जाएगा। इसके बाद अगर हम इसको बढ़ाना चाहे 500 से, ये देखो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये आगे 500 से आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसका जूम जो है, अगर हमने, ये तो हमारा 500 मैक्सिमम हुआ जूम, अगर मिनिमम जूम करना है तो हम 10% रख सकते हैं। तो 10 से नीचे हम जूम नहीं कर सकते। ये जैसे यहाँ पे मैंने 10 किया, 10% जूम किया, इसके बाद ओके किया, तो ये देखो ये जो है हमारे जितने पेजेस थे, जैसे हमारे पास ये 5 पेजेस हैं, ये जो इसका जूम परसेंटेज है ये 10% है। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट का मिनिमम जूम है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन है, जितना भी हम जूम करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट का, उतना जूम यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो जैसे 75% यहाँ पे रखा, ओके भी क्लिक किया, ये 75% आ गया। आने के बाद इसके बाद अगला ये पेज विड्थ है, ये भी हम अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। ये टेक्स्ट विड्थ है, इसको भी ले सकते हैं हम, ऑल पेज इसको भी यहाँ पे ले सकते हैं ऑप्शन को, और मैनी पेजेस यहाँ से भी इस ऑप्शन को भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो अपने हिसाब से हम यहाँ पे जूम सेट कर सकते हैं। तो ये इसके बाद ओके पे यहाँ पे क्लिक किया, इसको बंद किया। बंद करने के बाद अगली जो कमांड है हमारी 100% यहाँ पे जूम है, ये यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये 100% जूम जो होता है, ये नॉर्मल जूम होता है जहाँ पे हम काम करते हैं ये, तो यहाँ पे 100% इसको कर दिया। ये करने के बाद अगली जो हमारी कमांड है वन पेज, तो यहाँ पे ये एक पेज में आ जाएगा, ये जितना भी है हमारे यहाँ पे बना हुआ डॉक्यूमेंट, जैसे एक पहला पेज यहाँ पे आ जाएगा वन पेज। ये देखो एक पहला पेज यहाँ पे आ गया, ये वन पेज की कमांड आई है। इसके बाद अगर हमें मल्टीपल पेजेस चाहिए यहाँ पे देखने हैं हमने, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे मल्टीपल पेजेस। ये देखो हमारे डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं, यहाँ पे सभी आ जाएंगे। तो ये स्क्रॉल बार यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये नीचे भी हमारे पास ये 2 पेजेस हैं, ये भी आ जाएंगे। तो ये मल्टीपल पेजेस की कमांड है।
इस प्रकार हम यहाँ पे अपने पेजेस को देख सकते हैं कि हमारे पास कितने पेजेस हैं। मल्टीपल पेजेस की कमांड के जरिए हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कितने पेज हमारे डॉक्यूमेंट में है। इसके बाद अगली जो कमांड है हमारी पेज विड्थ की कमांड है। यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये पेज विड्थ यहाँ पे बन के आ जाएगा। यहाँ पे पेज की विड्थ विंडो की विड्थ के बराबर हो जाएगी इस कमांड पे लाने के बाद। इसके बाद हम यहाँ पे इसको नॉर्मल पे रखते हैं, नॉर्मल परसेंटेज ये जूम हमारे यहाँ पे आ गया। और अगर आप एमएस वर्ल्ड के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।